सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा कि ऐसा करने से, जी हाँ रोजाना ऐसा करने से आपके ब्रेन की पावर इंक्रीज होगी, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा और आपकी जो मेमोरी पावर है, जी हाँ जो आपकी ब्रेन की पावर है वो इंक्रीज होगी। और एक और स्टडी में आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा करने से आपकी फोकस पावर, जी हाँ जो आप स्टडीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, जी हाँ वो सिर्फ ऐसा करने से आपकी फोकस पावर बढ़ेगी। Are any brain exercises I could do to help improve my short-term memory? There are some simple exercises that will really jumpstart our abilities. Place those fingers together and lightly start stretching and moving those fingers, getting a little bit of blood flow. आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रूवन मेथड से थ्योरीज रखने जा रहा हूँ जिसकी बेस पर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपके ब्रेन की पावर इंक्रीज होगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वहीद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो यार, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ आपकी क्लास में या आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो थोड़ी देर पढ़ते होंगे और उनके नंबर्स बहुत ज्यादा आते होंगे, उन्हें चीजें याद बहुत जल्दी हो जाती होंगी, उनके 90% 95% नंबर इजीली आ जाते हैं, जबकि हो सकता है आपके या आपके किसी दोस्त के नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं आते। वो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, वो बार 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 चीज़ों को पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके नंबर्स कम नहीं आते। वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 90% 95% नंबर आते हैं, तो बेसिकली उनकी मेमोरी पावर, उनकी जो ब्रेन की पावर होती है वो बहुत हाई होती है। अगर आप भी अपनी ब्रेन की पावर इंक्रीज करना चाहते हैं और आप थोड़ी देर में ज़्यादा चीज़ें याद करना चाहते हैं और ज़्यादा अरसे तक आपको याद रहें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी ब्रेन एक्सरसाइजेज रखने जा रहा हूँ जिनको रोजाना आप 5 मिनट, जी हाँ सिर्फ 5 मिनट किसी भी वक्त वो करें तो आपके ब्रेन की पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको 7 डेज चैलेंज दे रहा हूं कि अगर 7 दिन ये 3 एक्सरसाइजेज रोजाना 5-5 मिनट अगर आपने की तो आपकी ब्रेन की पावर इंशाल्लाह पहले से बेहतर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। जी हाँ, पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है कलर ट्रिक, या इसे कहते हैं स्ट्रूप इफेक्ट। देखिए, इसे स्ट्रूप इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि 1935 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन रिडली स्ट्रूप ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि मुख्तलिफ पेशेंट्स को उसने चेक किया, पेशेंट को चेक किया कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, ये कुछ एक खास चीज़ पर एक खास वक्त के लिए तवज्जो नहीं दे पाते, तो उनमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम का उसने नाम दिया सेलेक्टिव अटेंशन डेफिसिट। इस प्रॉब्लम में ये होता है कि आप ज़्यादा देर तक किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। आपका दिल तो करता है पढ़ने को, आपका दिल तो करता है सुबह 4 बजे उठूं पढ़ूं, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन जो है वो आपका साथ नहीं देता, आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, आपका ब्रेन किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल इस कलर ट्रिक में, ये स्ट्रूप इफेक्ट टेस्ट में है। देखिए, इसमें आपने करना क्या है, देखिए करना कुछ नहीं है, ये जो आपके सामने अभी एक स्लाइड आएगी इसमें क्या होगा कि इसमें मुख्तलिफ कलर्स के नाम होंगे और डिफरेंट कलर्स में लिखे हुए होंगे, यानी एक तो वर्ड होगा जैसे RED रेड, ये वर्ड है, लेकिन हो सकता है ये ब्लैक इंक में लिखा हो, ये किसी और इंक में लिखा हो। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि इस स्लाइड को सेव कर ले, इस स्लाइड को डाउनलोड कर ले, स्क्रीनशॉट इसका ले ले और अपने फोन में सेव कर ले। और अगर आप अपने ब्रेन की पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हो और उस सेलेक्टिव अटेंशन डेफिसिट को खत्म करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा देर पढ़ सकूं, जब भी चाहूं मैं पढ़ने का दिल करे तो मैं पढ़ना शुरू कर दूं, अपने फोकस को बढ़ाना चाहूं, तो इस एक्सरसाइज को रोजाना आपने 5 मिनट, जी हां सिर्फ 5 मिनट, किसी भी वक्त आपको टाइम मिले तो कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज करने का तरीका यह है कि ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है, इस स्लाइड को आपने कलर्स के हिसाब से पढ़ना है, ना कि वर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है। यानी अगर वर्ड रेड लिखा हुआ है और कलर ब्लैक है तो आपने ब्लैक पढ़ना है, अगर कलर येलो है और लिखा हुआ इंक रेड इंक में लिखा हुआ है तो आपने रेड को पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपके ब्रेन की जो फोकस पावर है वो बढ़ेगी। ब्रेन अक्सर जो है वो वर्ड्स की तरफ जाता है और हमने उसे कलर्स की तरफ लेकर जाना है। शुरू में हो सकता है कि ये आपको बहुत स्लो लगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद 6-7 दिन के बाद आप ऐसे फास्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी इस वीडियो को पॉज करें और इस स्लाइड को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपने इसे स्लो पढ़ा या फास्ट पढ़ा। अब बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, तो इसका नाम है फिंगर टिप्स। जी हाँ, जैसे ये मेरी फिंगर टिप्स हैं, इन फिंगर टिप्स में एक स्टडी के मुताबिक 3000 के करीब नर्व एंडिंग्स होती हैं। जी हाँ, नर्व एंडिंग होती हैं। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले इन फिंगर टिप्स पर मैंने बहुत सी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि इन फिंगर टिप्स में सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। जी हाँ, इसमें कुछ सेंसरी नर्व एंडिंग भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी पीना चाहते हैं तो जैसे ही हम अपना हाथ गिलास की तरफ लेकर जाते हैं तो यहाँ पर जो सेंसरी
नर्व्स मौजूद होते हैं वो फौरन सिग्नल जो है वो ब्रेन को देते हैं और हम फौरन उसको अपने मुंह के करीब लाते हैं और उसे पीना शुरू कर देते हैं। ये हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, ये अंधेरे में भी कर सकते हैं, रोशनी में भी कर सकते हैं और सोचे बगैर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो नर्व एंडिंग होती है वो नर्व एंडिंग फौरन ब्रेन को सिग्नल देती है। जी हाँ, अगर आपने साइंस में नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो वहां पर आपको पता होगा कि यहां से फौरन सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन को जाते हैं तो ब्रेन फिर वैसे रिएक्शंस करता है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने अपनी इन फिंगर्स को ऐसे 5 मिनट रोजाना ऐसे प्रेस करते रहना, 5 मिनट रोजाना। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ये होगा कि इससे आपके ब्रेन को सिग्नल्स जाने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये सेंसरी नर्व्स एंडिंग आपके साथ मिलेंगी, ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे तो ब्रेन के कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कनेक्शन ज्यादा बनेंगे तो आपके ब्रेन की जो पावर है, आपके ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। आपने जितने देखे बड़े लोग जैसे इलॉन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, तो ये तमाम ऐसे बैठे होते हैं। तो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग्स हैं और ये हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाएंगे और ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाने के बाद हमारे ब्रेन की पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ब्रेन की पावर इंक्रीज होती है तो आपकी स्टडी की पावर भी इंक्रीज होती है, चीजों को याद रखने की पावर, समझने की पावर, प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर भी इंक्रीज हो जाती है। तो बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है हार्ट सिचुएशन। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि हम घर में बैठे हैं और घर में बैठे ही तमाम चीज़ों को ऑर्डर कर रहे हैं, ये तो नंबर वन। सेकंड नंबर क्या हो रहा है कि हम सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, वही फेसबुक देखते हैं, वही इंस्टाग्राम देखते हैं, वही यूट्यूब पर रील्स देखते हैं, वही व्लॉगिंग के चैनल देखते हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हम खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि हमारा दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए? बिल्कुल नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको एक वाकया हदीस मुबारक एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। एक दफ़ा बहुत से सहाबा कराम बैठे थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को एक मेंटल टफनेस में डाला, एक हार्ड सिचुएशन में डाला। कैसे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह ऐसा कौन सा दरख्त है, जी हाँ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल एक मोमिन की सी है, यानी एक इंसान की मिसाल एक दरख्त की सी है। तो वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम सोचने लगे कि ऐसा कौन सा दरख्त हो सकता है जिसकी मिसाल एक इंसान की सी हो, एक मोमिन की सी हो। तो काफ़ी देर सोचने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियात फरमाया क्या किसी को पता है? तो किसी ने भी जवाब नहीं, उन्होंने कहा हमें इस चीज़ का इलम नहीं है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तो एक खजूर का दरख्त है। अब बज़ाहिर इस स्टोरी में क्या लगता है, बज़ाहिर इस स्टोरी में ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्वेश्चन रखा, तो उस क्वेश्चन का मकसद ये था कि सहाबा कराम को मेंटल टफनेस में डाला जाए, एक ऐसी हार्ड सिचुएशन में डाला जाए कि वो शख्स सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर वो मुख्तलिफ दरख्तों के बारे में सोचेगा, फिर वो मुख्तलिफ दरख्तों के मैकेनिज्म के बारे में सोचेगा, फिर वो मुख्तलिफ दरख्तों के पैटर्न्स के बारे में सोचेगा, तो फिर वो कहीं जाकर इस नतीजे पर पहुंचेगा कि कौन सा दरख्त की एक इंसान की तरह है, एक मोमिन की तरह है। तो हार्ड सिचुएशन में खुद को डालें। देखिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि हम जब भी स्कूल जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो एक ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे वजह यह है, मैं छोटी सी आपको और एग्जांपल देने लगा हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स बैठा है जो गांव से बिलोंग करता है, किसी ज़रई इलाके से बिलोंग करता है, तो आपने देखा होगा कि जहां जब फसलें होती हैं तो एक जगह से एक शख्स गुजरता है, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, और फिर फसलों के अंदर से वैसे एक रास्ते बनने शुरू होते हैं। तो न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब आप एक ही काम को एक ही तरीके से बार बार करते रहते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर भी न्यूरो पाथवे बन जाते हैं। तो वो न्यूरो पाथवे क्या करते हैं कि आपको मजबूर करते हैं कि आप उसी पैटर्न पर बार बार वर्क करें, और ब्रेन को ये तकलीफ होती है जब उसे चेंज करते हैं। तो इसलिए सुन्नत मुबारका बहुत सारी ऐसी हैं कि आपने जब भी कोई काम करना है, मस्जिद में दाखिल होना है तो आपने दायां पांव रखना है, बाहर आना है तो बायां पांव रखना है, वॉशरूम में जाना है तो आपने बायां पांव रखना है, बाहर तो दायां, तो लेफ्ट राइट का जब कॉम्बिनेशन होता रहता है तो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स एक्टिव रहते हैं। अब खुद को हार्ड सिचुएशन में कैसे डालें? फॉर एग्जाम्पल आप एक रास्ते से जाते स्कूल, अब आपने रास्ता चेंज करके जाना है, आपके ब्रेन के लोगों को यार ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर वो तैयार रहेगा। आप फॉर एग्जाम्पल ब्रश राइट हैंड से करते हैं तो कुछ देर लेफ्ट हैंड से करें, आप फॉर एग्जाम्पल वजन राइट हैंड से उठाते हैं तो कभी लेफ्ट हैंड से उठा लें, आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी काम ऐसा जो है जो आप पहले एक तरीके से करते थे आप उसे डिफरेंट तरीके से करना शुरू कर दें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अगर अपनी चारपाई चेंज कर दें, अपना बिस्तर चेंज कर दें तो हमें नींद नहीं आती, तो उन्हें भी खुद को हार्ड सिचुएशन में ऐसे डालें कि कभी किसी और बिस्तर पर, कभी किसी और, तो चेंज करते रहें, जगह चेंज करते रहें, तो इस तरह आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 ऐसी एक्सरसाइज देखी, अगर आप इन एक्सरसाइज को रोजाना 5-5 मिनट करेंगे तो आप मुझसे लिखवा लें कि आपके ब्रेन की पावर आने वाले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।